नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आया हूं और आपको दिखाने वाला हूं, मैं आया हूं और आपको दिखाता हूं कि आज हम देखने के लिए आए हैं अपने बगीचे पे और इसको पटवन करने के लिए भी आए हैं। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है तो इसमें सोचे कि पानी दिलवा दें और जो है बगीचे में आए हैं और हम आम देखने के लिए आपको दिखाते हैं कि देखिए आम के बगीचे में जो है कैसा आम आया है हम लोग के बगीचे में। दोस्तों हम यहाँ मेन पानी पटाने के लिए आए हैं, बहुत दिनों से 5 महीने से बारिश नहीं हुई है जिसके कारण आम का साइज आप देख रहे हैं बहुत छोटा छोटा है। इसमें पाइप के द्वारा नदी से पानी पटाया जाएगा अभी और अभी दूसरे बगीचे में लगाया हुआ है पानी और पटवन हो रहा है। हम दिखाते हैं आपको और भी दूसरे बगीचे में जो बाईपास के किनारे नज़दीक है उसमें भी पानी देने के लिए वहाँ कोई साधन नहीं है, नदी वगैरह में सारा पानी सूख गया है तो उसमें पानी जो है टंकर से अभी टंकर आने वाला है और उसमें टंकर में 2000 लीटर आता है पानी तो वो उसे ही जाकर के उसमें डलवाएंगे पानी। तो आप देखिए दिखाते हैं आपको आम जो है कैसा आया और दिखाते हैं पानी कैसे, चलिए वीडियो में बने रहिए। तो आप देख रहे हैं ये जो आम का गाछ दिख रहा है आपको, ये मालदह आम का गाछ है और ये आम मालदह आम जो है आम का राजा कहलाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही गुदेदार होता है। और ये सभी जो है आपके पौधे जो देख रहे हैं ये सब सभी मालदह आम का गाछ है और जर्दालू आम का गाछ भी है हमारे पास, बम्बई है, अमरपाली है, हिमसागर है, गुलाब खास है, मलिक्का है, अमरपाली है, बहुत सारा आम का वैरायटी है हमारे पास बगीचे में और आपको दिखाते हैं बगीचे में, चलिए आइए चलिए चलते आगे चलते। दोस्तों आइए आपको केलम्मा आम दिखाते हैं, ठीक है एक होता है। देखिए दोस्तों ये आम जो है लंबा लंबा आपको जो दिख रहा है ये केलमिया आम है, इसको केलमिया आम बोलते हैं, केला की तरह ही लंबा लंबा होता है ये आम और बहुत बड़ा बड़ा होता है। अभी तो पानी की वजह से ये छोटा है, जब इसमें पटवन हो जाएगा तब बहुत बड़ा बड़ा आम होगा ये। और आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर मालदह आम है, ये बहुत अच्छा से आया है और ये आम बहुत ही स्वादिष्ट होता है, देख सकते हैं खाने में और बहुत ही ज़्यादा गुदादार होता है ये आम। और आप उधर देख सकते हैं यहाँ पे जर्दालू आम का पौधा है, ये काफ़ी बड़ा पौधा है और आप देख सकते हैं इसमें जर्दालू आम आया हुआ है, ये जो है ये जर्दालू आम है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, हमारा जो लेटेस्ट अपडेट आएगा और ये सब के बारे में जो आपको अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हमारा चैनल अभी नया है, अब 100 सब्सक्राइबर हमारा पार होने वाला है तो आपसे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर गेन करने में आप हमारी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि पटवन कर रहे हैं खेत को। दोस्तों 5 महीने से लगभग बारिश नहीं हुई है और 5 महीने में एक बार दुर्गा पूजा में बारिश हुई थी अभी अक्टूबर में। कि यहाँ पर ये नदी है छोटा ऐसा, नदी भर के रोड बन गया, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं है, आपको दिखाते हैं और भी दूसरा नदी है, सारा पानी सूख गया है। दोस्तों आइए आप जो है आपको कुआं दिखाते हैं। आप देखिए कुआं भी पूरा भर गया है, पूरा खाली हो गया है, कुआं सूख गया है एकदम, आपको जूम करके ये दिखा रहे हैं हम, कुआं भी पूरा सूख गया है जैसे आप देख सकते हैं कि 15-20 फीट तक यहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों कल अगर तापमान देखा जाए तो 43 डिग्री तापमान हो गया था और प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है कि बढ़ रहा है तो जो है इसी कारण से बारिश नहीं हो पा रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो छोटा ऐसा गाछ है ये हिमसागर आम का गाछ है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसको हिमसागर आम बोलते हैं। और आप इधर बगल में जो देख रहे हैं ये लगता हो ये जर्दालू आम का पौधा है और ये देख सकते हैं आम, इसका जर्दालू आम बहुत ही भागलपुर का स्वादिष्ट आम है और बहुत ही फेमस है, पूरा भारत में भागलपुर का जर्दालू आम जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रधानमंत्री को भी
सौगात में जो है जर्दालू आम भागलपुर का ही जाता है, तो ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। आप देख सकते हैं कि ये नदी वगैरह सारा सूख गया है, पूरा सूख गया है, इसीलिए हम लोग अभी पानी पटाने के लिए नदी दूसरे जगह जो गहरा नदी है जिसमें ज़्यादा पानी है वहाँ से पानी को पाइप के माध्यम से यहाँ पे ला करके उसमें पटाया जा रहा है खेत को। आप देख सकते हैं यहाँ पे पटाया जा रहा है पाइप के माध्यम से, देख सक रहे हैं आप पटाया जा रहा है यहाँ पे पानी को खेतों में दिया जा रहा है जिससे कि पेड़ पौधे को पानी मिल सके। आम में कैसा कैसा रोग लगता है आप अगर इस वीडियो में आपको बताते हैं, आप आइए देख यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस आम में अब जो है मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर। ये देखिए इसमें एक कीड़ा लग गया है जिसको कि ये धोने के बाद ही साफ होगा। ये कीड़ा इतना ताकतवर होता है कि धोने के बाद पॉइजन से इसको धोने के बाद भी ये जल्दी नहीं मरता है और ये गुठली तक छेदा करके ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इस आम में भी लग गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये सारा आम खा करके ये देखिए फट गया है। ये आम के अंदर छेदा करके गुठली तक पहुँच जाता है और गुठली में ही अपने बच्चे को जन्म देता है और ये काफ़ी संख्या में अपने बच्चे को जन्म देता है, 8-10 के संख्या में, और वो अंदर में बढ़ करके फिर दूसरे आम तक फैल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए इसमें भी ये लग गया है इसमें, तो इसको पॉइजन से धोना होगा फिर आता है। देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरा गाड़ी आ गया है, आम धोने वाला ही गाड़ी है, इसमें सेक्शन लगा हुआ है और इसमें से पानी लेना है, ये सेक्शन पाइप के कुएं में डुबाया जाएगा और इस कुएं का पानी जो है भर लिया जाएगा। कुएं में बहुत सारा गंदा गिरा दिया गया है, हालांकि कोई पानी इसका पीता नहीं है लेकिन गाछ में देने के लिए ये काफ़ी अच्छा पानी है। तब क्या आराम से लेता हूँ अन्य वाले के पास। चल घूम तो गाड़े है। तो दोस्तों हमारा आप देख सक रहे हैं कि टैंकर भर गया है, अब हम इसको लेकर के जो है बगीचे में जाएंगे और पानी डालेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा गाड़ी जो है पानी लोड करके चला गया और ये अब जाके खेत में, और हम लोग चलेंगे बाइक से, वहाँ बाइक लगा हुआ है अभी, तो चलिए वीडियो में तो साथ में बने रहिए। दोस्तों हमारा गाड़ी उधर से गया और हम लोग इधर से ही निकल जाएंगे शॉर्टकट से, ट्रैक्टर जाने का इधर से सुविधा नहीं था।
इसीलिए जो है ट्रैक्टर इधर से गया। हम लोग इधर से निकल जाएंगे और आगे हमारा ट्रैक्टर जो है इधर से आएगा। हम लोग खेत के में जाके जाते हैं और वहाँ फिर उसके बाद ट्रैक्टर हमारा खेत के पास पहुँच जाएगा। दोस्तों हमारा गाड़ी देखिए NH80 पे है, ये NH80 बाईपास है और हमारा गाड़ी वो आगे निकल गया है। हम लोग जाएंगे खेत पे और जो है बहुत पानी जो है गाछ में डाल के, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 40-42 डिग्री के आसपास का गर्मी है अभी यहाँ। और कल हम लोग आए थे बगीचा घूमने के लिए तो देखे कि पेड़ का पत्ता एकदम पूरा, छोटा तो पौधा जो लगाए हैं उसका पत्ता पूरा मुरझा गया है। तो आज हम लोग सोचे कि इसमें पानी दिया जाए, और बाईपास जो पानी बाईपास के कारण पानी बहुत दिक्कत हो गया है यहाँ। जो बाईपास बन रहा है नदी का पानी वो भर के और बाईपास में दे दिया और नदी जिसके कारण पूरा सूख गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन पानी बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये हमारा गाड़ी जा रहा है। तापमान कल 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, आज भी अभी लगभग 42 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पे है। सुबह से वेट करने के बाद काफ़ी देर बगीचा में हम लोग रहे, दूसरे बगीचा में। इस गाड़ी से आम का धुलाई भी होता है जिसको स्प्रे बोलते हैं। दोस्तों बाईपास यहाँ पर पूरा रोड कवर कर चुकी है और आप देख सकते हैं कि सिचुएशन में गाड़ी उतरेगा। उतरो। दोस्तों पानी देने गाछ में पानी देने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी जो है बहुत बड़ा नदी था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा तालाब सूख गया है। इस साइड भी दिखा दो, इस साइड भी देख सकते हैं दोस्तों पूरा तालाब सूख गया है एकदम। तो पानी का बहुत ही कम साधन है यहाँ पे, है ही नहीं साधन यहाँ पे। तो हम लोग गाड़ी को यहाँ पे झाँप दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इसमें। तो अभी हम लोग छाता लेकर के चलेंगे, पानी पूरा छिड़काना है ऊपर में गाछ सब। आइए दिखाते हैं आपको, गाछ छोटा छोटा है। मूंग जो दाल खाया जाता है जिसका मूंग का, वो इसमें लगा हुआ है। पानी नहीं पड़ने के कारण इसमें बहुत दिक्कत होता है। आप इसका पत्ता कैसा हो गया है, पूरा मुरझा गया है धूप के कारण। तो आप इसीलिए मैं इसको देख करके कल मुझसे रहा नहीं गया और जो है इसमें पानी देने के लिए वो गाड़ी में भर करके यहाँ तक लाए हैं और इस सब में अभी पाइप लगा के पानी देंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पर्यावरण को बचाइए और पेड़ पौधा लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको ये जो पेड़ पौधा लगाया हुआ वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जो है वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। टैंकर से पाइप के द्वारा पानी पौधे में छोड़ा गया है और ये आप जो देख सकते हैं आप, पत्ता पीला पीला हो गया था इसका और काफ़ी मुरझा भी गया था जो नया पत्ता निकला है। इसमें पानी बहुत आवश्यक हो गया था, अब इसमें पानी दे दिए तो कम से कम 10 दिन इसको आराम से अब ये सर्वाइव कर जाएगा। नया भी पत्ता इसमें लगा था और ये लग चुका था गाछ।
हम लोग का फाइनली खेत पट गया, आम गाछ में जो है पानी डाल दिए हम लोग और ट्रैक्टर वगैरह चला गया। तो हम लोग भी अब सोचे कि चला जाएगा, अभी एक लगभग बजने वाला है और काफ़ी ज़्यादा धूप है तो हम वीडियो वहाँ शूट नहीं कर पाए, ताकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप था इसलिए जो है थोड़ा सा इधर बगीचा में आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आम का गाछ है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 1K जल्दी से कंप्लीट करना है। ये हमारा चैनल तो पुराना ही है लेकिन अभी नया इसमें वीडियो बनाना चालू किए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।